नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ज़रूरी पांच बातें बताने जा रहा हूं कि बीज का ग्रो आप कैसे करें। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग बीज ने लगाए थे, बहुत बहुत सारे बीज खरीद के लाते हैं, काफ़ी कॉस्टली बीज खरीद के लाते हैं, पौधे या तो जर्मिनेट ही नहीं करते बीज से, या फिर जर्मिनेट करते हैं तो कुछ दिन बाद वो मर जाते हैं। तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, कल भी मेरे कमेंट्स आए थे कि आप बीज के ऊपर पौधे की ये क्या क्या आपको ख्याल रखना है, क्या क्या रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बीज में क्या क्या पांच ज़रूरी बातें आपको ध्यान देनी है। बीज में सबसे पहली बात जो परफेक्ट सीड इन परफेक्ट टाइम इन परफेक्ट क्वालिटी, ये देखिए ब्रांडेड सीड्स है। और आप जब भी आप बीज खरीदें, आप ही कोई बहुत सारे ब्रांडेड क्वालिटी के सीड आते हैं, ये भी ब्रांडेड है, करीब 10-10 रुपये में ये पैकेट मिल जाते हैं। बहुत सारे ब्रांडेड्स हैं 10 रुपये में मिल जाते हैं, या फिर थोड़ी कॉस्टली बीज है जो बड़ी ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी की सीड, धनिया की सीड, पपीता की सीड, हर तरह के फूलों की सीड, कुछ इंपोर्टेंट सीड होते हैं वो भी ले सकते हैं। आप बीज सही चुनाव करें, अगर बीज सही चुनाव करेंगे तो 50% का आप तो उसका हो जाएगा। और बीज लेने के टाइम आप देख लें, यहाँ पर पैकेट में लिखा हुआ कितना, कब डेट ऑफ एक्सपायरी है, कब का ये है, कब का ये जर्मिनेशन डेट है, सारे इसमें लिखा होता है। देखिए कहाँ पर एक्सपायरी डेट है, डेट ऑफ एक्सपायरी कहाँ का, यहाँ पर देखिए 20 अगस्त 20 तक इसका टाइम है। तो इस तरह का कोई भी बीज ले लें, आप सही देखते हैं परफेक्ट ले लें। और बीज जो होते हैं कंपनी के जो बीज होते हैं, ये अच्छी तरह से ट्रीटेड सीड होते हैं। ये धनिया के बीज है, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ तरह तरह के, अच्छी तरह से ये जो लाल है ये केमिकली ट्रीटेड है थीरियम से। और इस तरह के मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बीज, आप जो ले लेंगे अच्छी तरह से पैकेट से बीज का सिलेक्ट करें, और आपका बीज का अगर सिलेक्शन सही होगा तो बीज आपका परफेक्ट रहेगा। टिप नंबर दो, जब भी आप बीज का सिलेक्शन करें, आप सब्जी का बीज लगा रहे हैं तो ये कद्दू या कोहरा का बीज लगा रहे हैं, तो ये आपको करीब 12 घंटे आपको भिगोना है पानी में। और ये करेला के टाइप के जो बीज हो, ये बहुत हार्ड सेल है, या फिर भिंडी टाइप के सीड हो, उसको आपको करीब 24 घंटे पानी में भिगोना है। ये देखिए मैंने कद्दू का सीड, ये कोहरा का सीड है, मैंने करीब 12 घंटे इसको पानी में भिगो कर रखा है। पानी में भिगोने के बाद ही आप ट्रीट करें। और जब भी आप बीज लें, अगर आपको बीज को लगाना है तो आपको बीज लेने के बाद, जब आप बीज के पैकेट से बीज निकालते हैं तो आपको, यानी कि मैं आज अगर निकाल रहा हूँ, तो बीज ग्रो करने के टाइम आप कोई भी अच्छी तरह से फंगीसाइड का प्रयोग करें, ताकि बीज में, वैसे तो इसमें ट्रीटेड होता है, यहाँ पर लेके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर केमिकली ट्रीटेड है, पॉइजन ट्रीटेड होता है, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, या फिर मैं और एक पैकेट में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थीराम या कैप्टन से ट्रीटेड होता है, ये थीराम या कैप्टन से ट्रीटेड है, ये केमिकल से ट्रीटेड होता है। अगर केमिकल से ट्रीटेड नहीं है, आप घर के बीज, इस तरह के घर के बीज या फिर लोकल कोई जगह से बीज खरीदते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से शोधन कर ले, कोई भी फंगीसाइड ले ले आप, इस तरह के सैप का या बेबिस्टिन का पाउडर ले लें आप, सैप का या बेबिस्टिन का पाउडर लेने के बाद इस तरह से पाउडर लें। पाउडर लेने के बाद बीज को आप, जो भी बीज आप लिए हैं, आज मैं पपीता के बीज ले रहा हूँ, हालांकि ये ट्रीटेड है, लेकिन आपको अगर ट्रीटेड नहीं है तो आप बीज निकालने के बाद आप इस तरह से फंगीसाइड में अच्छी तरह से मिला लें। मिक्स करने के बाद इस फंगीसाइड के ट्रीटेड बीज ही आप प्रयोग करें, ताकि इसमें क्या होता है, बीज अगर जब जर्मिनेशन होता है उसका जो सीडलिंग निकलता है उसमें बहुत जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है। तो आपको अगर फंगस से अटैक से बचाना है तो बीज को आप अच्छी तरह से फंगीसाइड से आपको ट्रीटमेंट कर लें, और ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, आपका बीज सड़ेगा नहीं और आपके पौधे जो हैं, सीडलिंग जो है, सड़ेगा नहीं। तो ये हमने तैयार कर लिया है। अब मैं आपको तीसरा टिप्स बताता हूँ कि आप मिट्टी कैसे इसके बनाएंगे। तीसरा टिप्स बहुत ज़रूरी कि सॉइल कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए। सॉइल कॉम्पोजिशन में जो है आपको लेना है, वन पार्ट लेना है इसमें वर्मी कॉम्पोस्ट, सूखा हुआ ड्राइड सूखा हुआ वर्मी कॉम्पोस्ट लेना है एक हिस्सा, यानी कि 30% हमें ले रहे हैं ये वर्मी कॉम्पोस्ट, और 30% इसमें मिलाएंगे हम कोकोपीट, और 30% आप मिलाएंगे इसमें काउडंग कंपोस्ट ड्राइड। मेरे पास काउडंग कंपोस्ट नहीं है तो मैं फिर भर्मी कंपोस्ट, ये आधा पोर्शन इसमें कोकोपीट मिला लेता हूँ इसमें ड्राइड, और इसमें हम मिलाएंगे 10% रिवर सैंड, नदी की बालू, अच्छी तरह से धुली हुई सूखी हुई सुखाई हुई बालू जो है, नदी की रेत, ये मिलकर तो ये बजरी भी कहते हैं इसको। और ये मिलाने के बाद इसका मिक्सचर आप बनाइए, और मिट्टी अगर देना चाहें तो 10% आप मिट्टी भी दे सकते हैं।
लेकिन नर्सरी वाले मिट्टी का प्रयोग मत कर नहीं करते हैं क्योंकि उसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो इस तरह का मिट्टी का आप कॉम्पोजिशन बनाइए, ये काफ़ी हल्का होता है और इसमें क्या होता है जो जर्मिनेशन होती है काफ़ी अच्छी होती है, उसमें न्यूट्रिशन भी पूरा मिल जाता है और पौधे भी बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। तो ये सॉइल मिक्सर है, इसमें फंगस का अटैक भी बहुत कम होता है। तो इस तरह का आप सॉइल मिक्सर बनाएंगे तो आपको जो सॉइल में जो है जो ग्रोथ होगा सीडलिंग का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। चौथा इंपॉर्टेंट है सीड आपको ग्रो करेंगे कैसे, ये देखिए पहले इस तरह से लगा लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, इसको पानी आपको पहले डाल देना है, पानी डाल के पहले भिगो देना है, ये बहुत ज़रूरी टिप्स है। अगर आप बीज को अगर आप लौकी तोरई या फिर कद्दू इस तरह के बीज को आप लगा रहे हैं, इस तरह के बीज को आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको हिदायत ये है कि आप जिस गमले में उगाएंगे 10, 12, 14, 16 इंच के गमले में उगाए या फिर जहां पर कोई बागान में गार्डन में उगा रहे हैं तो आपको इसको डायरेक्ट ग्रो करना है। लौकी तोरई या फिर करेला इस तरह के सीड को आप डायरेक्ट ग्रो करें। और अगर आपके पास उस तरह की सुविधा नहीं है तो छोटे इस तरह के गमले आप ले लें, 3 इंच के गमले लेने के बाद इस तरह का आप पहले इसमें पानी डाल दें। ये देखिए कद्दू या कोहरा या फिर लौकी के बीज है, ये एक बीज या फिर दो बीज, ज़्यादा से ज़्यादा दो बीज एक जगह हम डाल के एक ही लगाए तो वो अच्छा है। और लगाने के बाद आप सेम सॉइल मिक्स से कवर कर दें। ये आप पूरे गमले, जब पौधा 15-20 दिन का बड़ा हो जाएगा तो आप पौधे को डायरेक्ट गमले में उगा सकते हैं, या फिर इस तरह के गमले में हो तो भी आप उसको उगा सकते हैं 2-3, लेकिन आप सेम गमले में आपको उसी गमले में इसको कंटिन्यू करना है। और कोशिश करिए कद्दू या कोहरा उगाते हैं कम से कम 25 या 50 लीटर का उस तरह का गमला होना चाहिए साइज का, तभी ये ग्रो करेगा। और होने के बाद अब मैं दिखाता हूँ, अगर आप पपीता या कोई भी फूल की फल की जो भी तरह तरह के बीज होते हैं उसको जो जीनल हम ट्रांसप्लांट करते हैं उस तरह के बीज को आप इस तरह के स्प्रिंकल कर दें और एक एक बीज के तरफ थोड़ा करीब एक एक इंच का गैप होना चाहिए। पपीता के बीज है ये थोड़े स्लो ग्रो करते हैं, थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसके जर्मिनेट होने में। और आपको मैं बताता हूँ एक एक बीज इसमें जर्मिनेट करेगा, एक भी फेल नहीं होगा। और फेल होने का ये भी नहीं है कि आप फेल हो गया बीज, या एक भी बीज फेल नहीं करेगा। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे पास ये देखिए हमने लगा दिया है बीज। लगाने के बाद जितनी बीज की डेप्थ है उसी डेप्थ में इसको कवर कर दीजिए, ज़्यादा मोटा लेयर नहीं हो, करीब 4-5 मिलीमीटर के लेयर हो। मैंने मिट्टी से भर दिया ये पूरा करीब। उसके बाद आप पानी देना है तो ये स्प्रेयर से दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के जो स्प्रेयर है इसे देंगे पानी। और आपको हर दिन पानी देना है इस तरह से स्प्रेयर में, ध्यान रखना है आपको हर दिन पानी देना है। ये रहा और इसको रख दीजिए आप सेमी शेड एरिया में रखना है। पांचवा पॉइंट है कि आपको इसको सेमी शेड एरिया में रखना है, बिल्कुल धूप में, ओपन धूप में नहीं रखना है, क्योंकि ओपन धूप में रहेगा, बारिश में रखेगा तो पूरे पानी में डूब जाएगा। और कभी आपको इस तरह से पानी नहीं देना है ना, हालांकि नर्सरी वाले इस तरह से भी पानी देते हैं, बहुत फास्ट पानी देते हैं सेकेंड में, तो वो तो हमसे हो नहीं पाएगा। तो आप क्या करें, इस तरह के स्प्रेयर जो है हर दिन आप टाइम कर ले, इस तरह का आप स्प्रेयर करते रहे और सेमी शेड में रखे तो आपके जो बीज है इस तरह से, देखिए मैंने करीब 12-13 दिन पहले हमने लगाए थे गुल मेहंदी के पौधे सारे हो गए हैं, ये करीब मेरे विंडो सिल में रख रखे थे, ये काफ़ी सारे लेगी हो गए हैं। लेकिन ये देखिए सारे बीज, एक एक बीज उग रहे हैं। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखिए कैसे ये किया था 10-12 दिन पहले, वो देखिए फिर आते हैं। वो ये है गुल मेहंदी की बीज, गुल मेहंदी का पौधा मैं दिखाता हूँ, पीछे हमारे पास है गमले में, ये देखिए हमने गुल मेहंदी लगा रखे हैं। इधर भी हमारे पास गुल मेहंदी के पौधे हैं, ये देखिए इधर भी हमने लगा रखे हैं गुल मेहंदी के, काफ़ी सारे पौधे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसके, ये है बीज गुल मेहंदी के, ये है बीज, और ये बीज को मैं स्प्रिंकल कर देता हूँ एक गमले में इस तरह से ट्रे में। करीब आप 40-50 पौधे आसानी से आपको मिल जाएंगे, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये देने के बाद हमारे पास कुछ सेम मिट्टी से आप इसको कवर कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ कोकोपीट है,
सूखे हो गीले हो कोकोपीट, आप इस तरह से कोकोपीट डाल दीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, आपको पानी स्प्रिंकल कर देना है और इसको कोई सेमी सेट एरिया में आप रख दें। तो दोस्तों ये रहा 5 टिप्स आपको बीज लगाने के लिए, और आप बीज अगर लगाएंगे इस तरह से आपके हर एक पौधे लगेंगे, हर एक पौधे सक्सेसफुल होंगे। जब ये बीज उग जाएंगे, जब पौधे करीब 12 दिन 15 दिन या एक महीने के पुराने हो जाए, तो आप इसको छोटे गमले में बड़े गमले में जैसे ट्रांसप्लांट करना है आपको करिए, यहाँ पर गार्डन में ले जाए। तो ये रहा 5 टिप्स आपको सीड्स से लगाने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैशन हिंदी वर्सन में नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको मैं ये पूरा अपडेट दिखाऊंगा आगे चल के। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।